आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, परेशान सी लग रही हैं आप? हाँ बस आप प्लीज़ शमीला भाभी की बातों का माइंड मत कीजिएगा। शमीला भाभी की कौन सी बात? वही जो वो ज्वेलरी के बारे में कह रही थी। मुझे तो किसी बात पर एतराज़ नहीं है, मेरी मोहब्बत इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत ही मेरे को एहसास है। मुझे पूरी तरह से अंदाज़ा है, मैंने उनकी किसी बात का माइंड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें आप तो कसूरवार नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, तो फिर आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बहुत शुक्रिया जशान मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। तेरदा, ये जो निकाह का रिश्ता है ना, ये बड़ा पाक बड़ा पुख्ता होता है, इसमें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह ही नहीं होती, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे आप जैसा मोहब्बत करने वाला शोर मिला। नहीं वो सच कहूँ तो इस मामले में मैं ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिसे आप जैसी बीवी मिली। परेशान ना था फॉर्म आपकी इतनी फनी पिक्चर आई हुई है। देखें फॉर्म क्या हुआ, परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं हूं, बस रिदा के बारे में सोच रहा था। कैसे तेजी से गुजर गया ना, कल तक वो यहीं हमारे घर में होती थी और आज कैसे मेहमान बन के आई हुई। हाँ रिदा अब मैरिड है, उसका ससुराल है, उसका शौहर है, और आप सब भाई भी ना जरा अपना लाड प्यार कम कर दें उसके लिए। शादीशुदा जिंदगी है उसकी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। कैसी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि जशान को ज़्यादा पसंद नहीं आप तीनों भाइयों का उसके लिए इतना पोजेसिव होना। क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? हम रिदा के भाई हैं, हम जाहिर है उसके बारे में पोजेसिव होंगे, जशान को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? फहम बीवी पे शादी के बाद सबसे ज़्यादा हक उसके अपने शौहर का होता है, और अगर जशान ने आप तीनों भाइयों की मोहब्बत से तंग आके इरिटेट होकर उसको यहाँ आने से मना कर दिया, तो क्या आप उसको रख लेंगे सारी जिंदगी इस घर में? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिशान ऐसा कभी नहीं करेगा। होने को कुछ भी हो सकता है फहम, आप बड़े हैं, बाकी दोनों को भी समझाएं कि अपनी तरफ से एहतियात करें, कल को जिशान नाराज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है 100 मसले मसाइल देखने होते हैं लड़की वालों को। हाँ चलिए मूड ठीक कर लें, अभी तो वो इधर ही है ना। थैंक यू जायदा आपा, इसे बहुत अच्छी टेबल सजाई है आपने, किसी चीज की कमी नहीं है। जीशान भाई जी, आपको पता है रिदा राइडिंग कितनी अच्छी करती है? राइडिंग? नहीं वो पिकनिक पे गए थे ना, हातिम भाई बताए ना यार। हाँ हाँ जिशान बहुत अच्छी राइडिंग करती है। क्यों क्यों फार्म भाई? जिशान रिदा राइडिंग, क्या क्या राइडिंग, खुद से बात ही तो हम तीनों भाइयों ने रिदा से इंप्रेस होके सीखी है ना। हेलो माँ जी, जी माँ जी जी कहीं है रिदा, ये बात कीजिए बाजी। अरे एक सेकेंड ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। माँ जी बदल गई है मेरी। मेरी? पहले जब मुझे फ़ोन किया करती थी तो हेलो के बाद मेरा हाल पूछती थी, कहाँ हो, कुछ खाया या नहीं। अब फ़ोन करती हैं, हेलो कहती हैं और उसके बाद पूछती हैं कि रिदा कैसी है। हमारी रिदा है ही ऐसी,
जहाँ जाती है अपनी जगह खुद बना लेती है। माशाल्लाह। वैसे जशान, अब ना तुम्हें अपनी जगह बनाने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। जी इंशाल्लाह। आपका फोन। आपकी बात हो रही थी भैया। मेरी बात? अच्छा, इसका मतलब है मेरी बहुत तारीफें की होंगी ना आप लोगों ने। भाई हाँ, तुम्हारे बारे में बात होती है तो तारीफें ही होती हैं। एक्सक्यूज मी, नाश्ता छोड़ दीजिए 2 सेकंड के लिए जशान भाई, 2 सेकंड। हाँ अच्छा, मैं ऐसे कुर्सी पे। हमारी रिदा लाखों में नहीं करोड़ों में एक, हमारे दिल की धड़कन, हमारा किडनी स्टोन, हमारा ब्लड फ्लो और बस 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 इतना ही, बैठ जाऊं? बस बस बहुत इतना। अरे भाई, कोई हमारी रिदा से भी तो पूछे कि वो किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, उसके लिए कौन अहम है, उसके तीनों भाई या उसका अपना शौहर। अरे ये क्या बात हुई, हर रिश्ते हर मोहब्बत का अपना मकाम होता है बेटा। ऐसी भी बात नहीं है खाला जान, कोई मुझसे तो पूछ के देखे, मैं तो सिर्फ फहाम का नाम हूँ, मेरी जिंदगी में फहाम के अलावा कोई अहम नहीं है। थैंक यू। तो बताओ रिदा, कौन अहम है तुम्हारी जिंदगी में? एक्सक्यूज मी, इसका जवाब भी मेरे पास है, मैं अहम हूँ रिदा के लिए सबसे ज्यादा। आसिम आप नहीं, फाहम भाई की लाड़ तो फाहम भाई सबसे अहम होंगे। नहीं, फाहम भाई की लाड़ला मैं भी हूँ, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन रिदा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, बहुत हो गया मजाक, डिस्कशन खत्म करें, ये बात हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब रिदा तुम ये बताओ कि डिनर में क्या प्लान्स हैं? जिशान आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? अरे बेटा, आप शाम की बात बात में देखी जाएगी, पहले नाश्ता तो करने दो बेटा, कुछ लो ना। जी मैम, है